हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आलोक शुक्ला, आपके अपने चैनल परीक्षा प्लस में आपका स्वागत है। अभी जैसे कि कल के ही डेट में ही आयोग ने UP SSC जूनियर असिस्टेंट परीक्षा के लिए कि अब डेट निर्धारित हो गई है 24 दिसंबर और अब आपके पास मात्र 20 से 21 दिन बचे हैं। आज 3 तारीख है, 24 तारीख को आपके पेपर है, लेकिन देखा जाए तो 21 है। 21 ना मान के आप चलिए, क्योंकि आपका 24 को तो पेपर है ही है, तो 20 दिन आपके पास पूरे बचे हुए हैं इस पेपर के लिए। अब बात ये आती है कि जैसा मैं आपसे हमेशा वादा करता हूँ कि आपके लिए एक बेस्ट स्टडी प्लान, वो भी एग्ज़ाम के लास्ट 15 से 20 दिन में क्या पढ़ा जाए। क्योंकि देखिए, पढ़ते तो बच्चे बहुत दिन से हैं, लेकिन जो ये अंतिम क्षण होता है ना, अंतिम क्षण में आप जितने अच्छे से अपने दिमाग को सेट कर लिए, जितने अच्छे से चीज़ें रिवाइज कर लिए, जितनी अच्छी आपकी रणनीति हो गई, उतनी ही सफलता आपके करीब हो जाती है। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम एक बार फिर से आपके लिए UP SSC जूनियर असिस्टेंट के लिए, कनिष्ठ सहायक के लिए एक बहुत ही अच्छी रणनीति लेके आए हैं, जो आपके 20 दिन का पूरा स्टडी प्लान है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि आखिर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जैसा आप सभी को मालूम होगा कि जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर है, इसमें टोटल 130 क्वेश्चन होंगे। मैं थोड़ा पैटर्न की बात यहाँ पर डिस्कस करूँगा। 130 क्वेश्चन है जो आपका 65 मार्क का है, यानी कि एक क्वेश्चन आधे नंबर का है, 0.5 पॉजिटिव है और नेगेटिव भी है। इसमें 1/4 मार्क का 1/4 इसमें नेगेटिव है, यानी कि 0.125 नंबर इसमें नेगेटिव है। पैटर्न आप सभी लोग जान रहे हो कि पैटर्न पे हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मेन मुद्दे पे आते हैं, आपका समय बहुत ज़्यादा नहीं गंवाएंगे कि आखिर हम 20 दिनों में क्या करें, 20 दिनों में कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, आपके पास सोर्स क्या होना चाहिए, आपके पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, आपको दिन में कितने घंटे पढ़ने चाहिए, क्या अपने दिमाग को कैसा रिलैक्स देना चाहिए, कितने मॉक लगाने चाहिए, मॉक कैसे लगाने चाहिए, ये सारी बातें हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि 130 क्वेश्चन जो है, इसमें आपके जो मेजर पोर्शन है वो 60 क्वेश्चन आपका हिंदी होगा, इसके बाद आपका 40 क्वेश्चन GS का होगा और फिर 30 क्वेश्चन जो होगा वो रीजनिंग का होगा। ठीक, ये आपके मेन है। टोटल 130 क्वेश्चन है, 60, 40 और 30, और हर क्वेश्चन आधा नंबर का है, तो इसलिए 65 मार्क का। अभी आप यहीं पर देख पा रहे हो कि जो आपका मेजर पोर्शन है वो क्या है, हिंदी है। क्यों? क्योंकि भाई 60 क्वेश्चन कवर कर रहा है और 60 क्वेश्चन 130 में आपका 50% लगभग हो गया। तो 50% अगर आपका हिंदी ही कवर कर ले रहा है, तो ये बात तो एकदम तय है कि सबसे ज़्यादा समय भी आपको हिंदी में ही देना है। दूसरा कारण भी और क्या है हिंदी में ज़्यादा समय देने का, क्योंकि इसका जो कोर्स है वो लिमिटेड है ना। कोर्स इन द सेंस जो आयोग सिलेबस दे रहा है आपका हिंदी के लिए, और जो इसमें उसने सिलेबस दिया है, अभी हाल ही में परीक्षा उसने कराया था पिछले वर्ष वीडियो का, ठीक है ना। तो वीडियो का ही जो सिलेबस है, पैटर्न तो नहीं बोलेंगे, जो वीडियो का सिलेबस है वही सिलेबस लगभग इसका है, और UP SSC कर ही ऐसा रही है। तो जो वो ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी पेपर सेट कर रहा है उसका एक अलग सिलेबस दे रहा है, और जो वो 12th सिलेबस का दे रहा है, जैसे वीडियो का हुआ, जूनियर असिस्टेंट का हुआ, इसका सिलेबस अलग दे रहा है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान यहाँ पे देना होगा कि सिलेबस मात्र UP SSC का सिलेबस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, एक बार सिलेबस आ जाता है वो देख लेते हैं कि हिंदी पूछ रहा है, रीजनिंग पूछ रहा है, GS पूछ रहा है, GS में हिस्ट्री पॉलिटिक्स पूछ रहा है, बस अब सिलेबस रख देते हैं। UP SSC अपने सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है। स्ट्रिक्टली फॉलो करने का मतलब ये है कि वो जो भी सिलेबस में पॉइंट डिपिक्ट कर दिया है उससे ना तो कोई चीज़ बाहर पूछ रहा है, और मैक्सिमम वो कोशिश कर रहा है कि हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश किया जाए, किसी शिफ्ट में कुछ तो किसी शिफ्ट में कुछ। ऐसा हो सकता है कि एक ही पेपर में सारे पॉइंट ना कवर कर पाए, लेकिन अगर हम सारे शिफ्ट के सारे पेपर को मिला लें, जैसे हमने लोअर में भी देखा था, जैसे हमने मंडी परिषद में भी देखा था, तो अगर हम सारे पेपर के सारे शिफ्ट को मिला लेंगे तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा कि वो छोड़ रहा हो। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि सिलेबस यहाँ का मात्र सिलेबस नहीं है। आप लोग आदत भी डालिए
सिलेबस ऐसे इग्नोर करके मत जाइए। जब भी आप तैयारी करिए ना, तो एक आप उसका फोटोकॉपी जेरोक्स निकाल के रखा रह करिए कि आपकी ये पॉइंट प्रिपेयर हो गया, ये पॉइंट प्रिपेयर हो गया। उससे एक तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आपका इतना कोर्स कवर हो चुका है, इतना सिलेबस आपने कर लिया है। दूसरी बात, एक रणनीति भी बनती जाती है और वो खुद सेल्फ मोटिवेटिंग होता है। तो ऐसे तरीके तो आप अपनाते रहिए। हालांकि अब इस 20 दिन में हम कोई नया तरीका अपनाने की बात नहीं करेंगे। जो आप करते आए हो, जो आप पढ़ते आए हो, आप एग्जैक्टली वही पढ़ते रहो, है ना। तो हम बात कर रहे थे कि हिंदी की, हिंदी 50% पूरा जो पूरा इसका क्वेश्चन का है वो 50% आपका हिंदी ही कवर कर रहा है। फिर हम देखें तो 40 क्वेश्चन जीएस कवर कर रहा है और फिर 30 क्वेश्चन रीजनिंग कवर कर रहा है। तो अब बात आती है सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना चाहिए 20 दिन में। तो सबसे ज़्यादा तो मैं बोलूँगा कि आप क्या पढ़ो, हिंदी ही पढ़ो, क्योंकि सबसे ज़्यादा कवर भी कर रहा है, इसका सिलेबस भी छोटा है, बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं है। आप कुछ पर्टिकुलर ही टॉपिक है आप उन्हें पढ़ेंगे तो वो एक एक करके कवर होता चला जाएगा। हालांकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतने दिनों में आप सभी लोग लगभग एक बार, या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो दो बार, वो बहुत अच्छी बात है, एक या दो बार आप लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि लास्ट के 20 दिन में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका मॉक। सबसे ज़्यादा आप मॉक दीजिए, सबसे ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, है ना। प्रैक्टिस जितना कर लेंगे, जितना पेपर बेस्ड कर लेंगे, उतने ही आप लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे ज़्यादा 60 क्वेश्चन जो हिंदी है इसे कवर करेंगे। चाहे अभी मैं आऊँगा एक एक पे डिस्कस करूँगा कि आखिर किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़ा जाए, पहले कौन से टॉपिक पढ़ा जाए, फिर कौन से टॉपिक पढ़ा जाए, ये सब मैं प्रायोरिटी बेस आपको सब बताऊँगा। लेकिन अभी हम मोटा मोटा सेक्शन को पहले कवर कर रहे हैं। तो 60 क्वेश्चन हिंदी के हो गया, 40 क्वेश्चन फिर जीएस और उसके बाद रीजनिंग। अभी मैं ये बोलूँगा कि अभी आप पहले जीएस मत पढ़ो, पहले जीएस मत पढ़ो। क्यों? देखिए 60 क्वेश्चन हिंदी का हो गया, उसके बाद अब रीजनिंग उठाओ। क्यों? क्योंकि रीजनिंग भी जैसे हिंदी है उसका सिलेबस छोटा है, ठीक है, ऐसे रीजनिंग का भी सिलेबस क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट अगर आप कवर करने की ठान लोगे तो 5 से 6 दिन में आप पूरे रीजनिंग का सारे कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ सकते हो। अब बात आती है कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे रीजनिंग में, उतना ही ज़्यादा आपका स्कोर इन्हेंस होता चला जाएगा। तो हम सबसे पहले तो हिंदी देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे रीजनिंग की बात कर रहा हूँ तो एक बात मैं आपको और बता दूँ, अंतिम के 20 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अभी कोई बच्चा अगर ऐसा हो कि वो रीजनिंग एकदम छुआ ना हो, है ना, तो उसको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा तो कोई भी बच्चा होता नहीं है कि हाँ ठीक है पढ़े ही ना रीजनिंग, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन अब मैं ये बोलूँगा कि आपको रीजनिंग में नया पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय कम है। जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हो, जितने भी चैप्टर आप कवर कर लिए हो, आप कोशिश करो उस पर जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करो, लेकिन इनकम्पेरेबल टू हिंदी कम करो, है ना। सबसे ज़्यादा समय हिंदी को देना है, फिर रीजनिंग को देना है और फिर आता है जीएस। जीएस को सबसे लास्ट में मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इसका सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट है और जो क्वेश्चन है वो सबसे कम इसी सेक्शन से आ रहा है। जीएस की मैं अभी यहाँ से उठा के मैं इसे थोड़ा नीचे रखूँगा, 40 क्वेश्चन जीएस का, और इसके बारे में थोड़ा मैं बताऊँगा। जीएस की स्ट्रेटजी मैंने पोस्ट करके भी FB पे भी और जो बच्चे ग्रुप पे हैं उन पे भी, टेलीग्राम पे भी मैंने दिया था, जहाँ तक मेरी रीच हो सकती थी, टीम की रीच हो सकती थी, उन बच्चों को सबको बताया गया था कि आखिर आप जीएस सेक्शन में कैसे कवर करें। अभी हम जीएस की एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा हिंदी और रीजनिंग का डिस्कस कर लेते हैं। तो हिंदी के टॉपिक की बात करें, हम किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दें और किस टॉपिक पे ध्यान ना दें, तो देखिए एक बात तो समझिएगा कि जो हिंदी है सिलेबस छोटा है, और वो कहने का मतलब आयोग जो है वो हर टॉपिक को कवर कर रहा है। हाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे रस हुआ, छंद हुआ, अलंकार हुआ, जिसका वेटेज कम है, या ऐसा मान के चलिए कि उसका जो प्रोबेबिलिटी है आने का वो बहुत कम है। रस छंद अलंकार वैसे पूछ ले तो पूछ ले, क्योंकि वो पहली बात तो सिलेबस में भी नहीं था, है ना, तो वो पूछेगा नहीं, उसे एकदम उन सब चीज़ों में मत फंसे। बहुत सारे बच्चे क्योंकि वो क्वेरी डालते रहते हैं कि सर रस छंद अलंकार आएगा, तो मुझे ये बताना थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगा कि आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया जाए कि इन टॉपिक पे अपना समय मत बर्बाद करें। आपको हिंदी में जो आपका व्याकरण पार्ट है आप व्याकरण पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। पत्र लेखन आप वहाँ पढ़िए, पत्र लेखन से क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके गद्यांश से तो क्वेश्चन होंगे ही होंगे। क्योंकि देखिए 60 भले ही वो आधे नंबर का है, लेकिन जब 60 क्वेश्चन होता है ना, तो किसी पेपर में 60 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात हो गई। तो वो आपसे एकदम ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई टॉपिक ऐसा है जो वो छोड़ देगा। जितना उसने सिलेबस में डिपिक्ट कर दिया है, सिलेबस में बता दिया है, वो लगभग सारे के सारे पॉइंट कवर करेगा हिंदी में। तो हिंदी में आपको हर चैप्टर को पढ़ के चलना है, और सबसे ज़्यादा
समय देना है। अगर आप अंतिम 20 दिनों में, मैं कह रहा हूँ ऑन एवरेज अगर आप 6 घंटे पढ़ते हो, तो 6 घंटे में कम से कम 3 घंटे आप क्या पढ़ो, हिंदी पढ़ो। देखिए बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे लग रहा होगा ना, हिंदी में इतना क्या पढ़ने वाला है कि हम 3-3 घंटा पढ़े, 6 घंटे में 3 घंटा मतलब 50% समय हिंदी को ही दे दे। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जितना जितना पढ़ लोगे ना आपका उतना ही क्लियर हो जाएगा। और फिर एक बार पढ़ने के बाद कोशिश करो कि आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। देखिए क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं बार बार आपसे क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपका दिमाग लर्निंग मोड में होता है, लर्निंग मोड में होता है, आप चीज़ें पढ़ रहे हो, कंक्लूड कर रहे हो, समझ रहे हो और उसे ग्रैब कर रहे हो, लेकिन आप उस पर एनालाइज नहीं कर रहे हो, है ना। आप ये नहीं टेस्ट कर रहे हो कि आखिर जो आपने गेन किया वो कितना रिटेन्ड आपके अंदर रह गया, कितना आपके अंदर रह गया और कितना आपका उड़ गया, है ना। ऐसा होता है भाई, कोई भी पढ़ता है तो ऐसा तो नहीं कि 100% उसे एक बार में याद रह जाए, किसी को 60% याद रह जाता है, किसी को 70% याद रह जाता है, लेकिन जब आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उसी का क्वेश्चन करते हो तो वो चीज़ आपका परमानेंट हो जाता है। इसलिए मैं बोलूँगा कि आप 3 घंटे में अगर हिंदी पढ़ रहे हो तो पढ़ना मतलब ये नहीं कि केवल आप पन्ने पलटते पढ़ते चले जाओ, आप उसमें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो, आप जितना हो सके इससे रिलेटेड हमारी जो पूरी टीम है आपको 700-800 क्वेश्चन का एक PDF भी प्रोवाइड कर देगी, आपको डिस्क्रिप्शन में ही हो सकता है लगा दिया जाए, ठीक है ना। अगर नहीं लगाते हैं तो 1-2 दिन में आपको ग्रुप अवेलेबल कर दिया जाएगा, जो भी बच्चे हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे सारे PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा, फेसबुक ग्रुप पे अवेलेबल करा दिया जाएगा सारे के सारे क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक लगी हुई है, आप ग्रुप से जुड़ सकते हो बहुत अच्छे से ताकि आपको चीज़ें वहाँ पर मिलती रहे। तो प्रैक्टिस करने के लिए टीम तो आपको 700 क्वेश्चन दे रही है, और ये 700 क्वेश्चन केवल क्वेश्चन मात्र नहीं है, ये वो क्वेश्चन है जो आपके विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उन पैटर्न पे आधारित हूबहू क्वेश्चन। जितना, क्योंकि एक बात तो समझ में आता होगा आपको, पता भी होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि UP SSC का जो वेंडर है वो TCS है, और TCS के पास एक बड़ा सा क्वेश्चन बैंक होता है, वो उसी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को सफल करता रहता है, किसी पेपर में डाल दिया किसी पेपर में डाल दिया, तो क्वेश्चन तो लमसम वही आने वाले हैं, अगर एग्जैक्ट नहीं आए तो उस पैटर्न पे आने वाले हैं। इसलिए ऐसे एकदम जो एकदम नया हो सकता है, नया पैटर्न जिसे बोल सकते हैं, जैसा TCS पैटर्न बोल सकते हैं, उस पैटर्न पे 700-800 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है, और यकीन मानिए अगर आप 700-800 क्वेश्चन केवल सॉल्व करके चले गए, उसका डिटेल्ड पढ़ लिए, उसकी व्याख्या पढ़ लिए, या उससे रिलेटेड हम आपको वीडियो भी अवेलेबल करा देंगे पूरा डिटेल में, पूरे 600-700 क्वेश्चन का, 700-800 क्वेश्चन का जो भी होगा उसका आप वीडियो भी देख लेंगे, तो वो एकदम इस 20 दिनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 3-4 घंटे की वीडियो होगी, 3-4 घंटा, अगर भाई 20 दिन में 24 घंटे होते हैं, 24x20 करोगे तो 480 घंटे हो गए, उसमें से 4-5 घंटा नहीं निकाल सकते हो। 4-5 घंटे में अगर आपके 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन तैयार हो जाए तो मैं बोलूँगा कि आप वही कर लो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल क्वेश्चन ही करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो साथ साथ में पढ़ते रहो, वो दोनों चीज़ें ज़रूरी है। रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में आप एकदम नया कॉन्सेप्ट पढ़ना छोड़ दो, जो ठीक है टॉपिक नहीं कवर हुई है, जब आप एक बार इतना लग जाए कि हाँ हमने, हमारा स्कोर अच्छा आ रहा है, उसके बाद आप बचे हुए टॉपिक को पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं जो लास्ट टाइम के लिए कुछ टॉपिक बचा के रखते हैं, ठीक है, हर बच्चे की अपनी अलग रणनीति हो सकती है, लेकिन अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग में प्रैक्टिस करो। एक बार मैं रीजनिंग में प्रैक्टिस करने के लिए और फोकस करूँगा। रीजनिंग सेक्शन ऐसा है जो UP SSC का पसंदीदा है, पसंदीदा इन द सेंस, अगर आप पेपर को देखो, किसी भी अभी लोअर के पेपर में देखो, मंडी परिषद के पेपर में देखो, इवन वीडियो के पेपर में देखो जो इसी के सिलेबस पे था, तो रीजनिंग का लेवल बाकी लेवल से कहीं अच्छा है, उसका लेवल थोड़ा अच्छा किया है, और सबसे बड़ी बात लेवल अच्छे में वो टाइम टेकिंग बना रहे हैं। बच्चों की शिकायत लोअर में भी थी, बच्चों की शिकायत मंडी परिषद में भी थी कि सर रीजनिंग करने में मेरा पूरा समय चला गया। ये आपके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा आप ये 20 दिन पहले अपने दिमाग को प्रिपेयर कर लोगे, उतना ही अच्छा आप एग्जाम में एकदम परफॉर्म करके आने वाले हो। तो अगर यहाँ पे आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो वहाँ पे समय कम लगेगा। दूसरी बात, मैं यहाँ पे थोड़ी एक चीज़ आपको थोड़ा सा ले चलूँगा, एकदम एग्जाम हॉल के टेम्परामेंट के बारे में बताऊँगा। खासकर रीजनिंग जैसे सेक्शन में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो भाई, हर बच्चे का एक अपनी स्ट्रेटजी होती है कि मैं एग्जाम देने जाऊंगा तो पहले हिंदी सॉल्व करूंगा या पहले रीजनिंग सॉल्व करूंगा। जिसकी रीजनिंग अच्छी होती है पहले रीजनिंग सॉल्व करता है, जिसकी हिंदी अच्छी होगी पहले हिंदी करेगा, जिसका GS अच्छा हो पहले GS करेगा, ठीक है अपनी है। लेकिन मैं इसको एकदम स्ट्रिक्टली आपको बोलूँगा कि रीजनिंग जैसा सेक्शन UP SSC के पेपर में आपको पहले नहीं करना है। यदि आप कितने भी अच्छे हो रीजनिंग में, लेकिन एग्ज़ाम अलग चीज़ है, घर
पे प्रैक्टिस करना अलग चीज़ है। जब एग्ज़ाम में होते हो तो आपका टाइम बाउंड होता है, आपको निर्धारित समय में उतने क्वेश्चन करने होते हैं, तो इसलिए और वहाँ पे टेम्परामेंट भी बहुत, थोड़ा सा क्वेश्चन अगर टफ हो गया या हो सकता है क्वेश्चन गलत भी हो गया, अभी इसके बारे में बात करेंगे जो गलत क्वेश्चन आयोग दे रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन वहाँ पे क्या है कि टेम्परामेंट हमें कूल रखना है। और मैं ये बोलूँगा कि आप एग्ज़ाम में रीजनिंग पहले मत उठाओ, खासकर जूनियर असिस्टेंट के लिए सबसे पहले आप हिंदी करो, फिर आप जीएस करो और सबसे लास्ट में रीजनिंग करो। सबसे लास्ट में रीजनिंग करने का फायदा ये है आपको सबसे ज़्यादा समय मिलेगा। देखिए कैसे, सब मैं दो कंडीशन लेके चलता हूँ। मान लीजिए कि एक लड़का है वो पहले रीजनिंग से स्टार्ट कर रहा है और दूसरा लड़का है वो पहले हिंदी से स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन मात्र कितने हैं, 30, लेकिन इस 30 क्वेश्चन को करने के लिए इस लड़के कम से कम नहीं तो 45 मिनट चाहिए। रीजनिंग है, थोड़ा टाइम लेके जाएगा, ऑन एवरेज टाइम तो जो डिसाइड किया जाता है, आयोग डिसाइड करता है, वो मान के चलता है कि 40 से 50 सेकंड, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 2 से 3 मिनट भी लेके चले जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो कब एवरेज बच्चों का देखा जाए तो 40 से 45 मिनट बहुत आराम से, इवन ज़्यादा भी, कुछ बच्चे ज़्यादा भी लेके चले जाते हैं। तो अब आपके पास समय क्या रह गया, कम रह गया इन दोनों सेक्शन को करने के लिए। दूसरी बात, जब आप समय ज़्यादा ले लेते हो किसी पेपर में तो आपका टेम्परामेंट जो होता है ना वो बिगड़ जाता है एग्जाम में, और फिर क्या होता है आप पैनिक हो जाते हो। पैनिक हो जाओगे तो क्या होगा, फिर आप आते हुए क्वेश्चन हिंदी में गलत करोगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर मेरे पास टाइम मैनेज नहीं हो पाया और लास्ट में आते हुए क्वेश्चन गलत कर दिया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, ऑफलाइन पेपर में सबसे ज़्यादा जो गलती होती है बच्चों की खराब टेम्परामेंट के कारण, OMR फिल करना। OMR में फिल करते समय वो कहीं देखेंगे, हो सकता है 30 क्वेश्चन का 31, 32, 33 से स्टार्ट कर देंगे, लगातार 4-5 क्वेश्चन गलत कर दिए, उसके बाद उन्हें ध्यान आता है अरे यार मैंने तो ये वाला पॉइंट, मैंने ये वाला गोला भरा ही नहीं, और फिर वहाँ पे टेम्परामेंट और ख़राब होता है। टेम्परामेंट और ख़राब होता है तो बाकी जो आपका फिर पेपर करने वहीं पर लगता है आप तो मेरा पेपर बेकार हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, सबसे बड़ी बात तो आप OMR बहुत अच्छे से फिल करो, वहाँ पे एकदम ध्यान देके, इवन गलती हो भी जाती है तो एकदम ये मत होने दो, ठीक है जो हो गया वो हो गया, देखा जाएगा बाद में। अपने को अपने ऊपर वो हावी मत होने दो, क्योंकि उसकी वजह से और भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो और OMR में गलती का यही होता है क्योंकि आप घर पर प्रैक्टिस नहीं किए होते हो, घर पर प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पर आराम से चीज़ें हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको रीजनिंग को समय बाद में देना है। अगर मैं इस दूसरे बच्चे के कंडीशन केस की बात करूं, अगर ये हिंदी करेगा भाई 60 क्वेश्चन हैं और अगर हिंदी उसे आ रही होगी तो, नहीं आ रही होगी तो मुश्किल से 20 से 25 मिनट में ये 60 क्वेश्चन कर देगा। चलिए मैं मान के चल रहा हूँ 30 मिनट में कर लेगा, आधा मिनट ले लेगा, आधा मिनट हालांकि हिंदी में लगेंगे नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो क्विकली 20 से 22 सेकंड में हो जाएंगे, हो सकता है किसी में 50 सेकंड 60 सेकंड 1 मिनट लग जाए, इससे ज़्यादा लगेगा नहीं। तो हिंदी के 60 क्वेश्चन आप 25 से 30 मिनट में कर लोगे और जीएस के 40 क्वेश्चन, एग्जैक्टली जीएस के 40 क्वेश्चन भी आप 10 से 15 मिनट में कर लोगे। तो आप देखो कि 45 मिनट में आप 60 और 40 100 क्वेश्चन कर लिए हो और दूसरा बच्चा उतने ही मिनट में कितना कर लिया है, 30। लेकिन जब आप ये 100 क्वेश्चन करोगे, भाई इसने कितना किया 30, आपने कितना किया 100, कौन बेटर है आप खुद सोचो। आप 45 मिनट में 100 क्वेश्चन कर लिए हो, अब आपके पास जो भी समय बचा हुआ है उसमें केवल आपको 30 क्वेश्चन करना है, इसके पास जो भी समय बचा हुआ है उसमें उसे कितना करना है 100 करना है। तो ये कारण है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये गलती आप एग्जाम में एकदम मत करो। सबसे पहले आप हिंदी से स्टार्ट करो, फिर आप जीएस उठाओ और फिर आप रीजनिंग उठाओ। ये तो एकदम ये दिमाग में रख लो कि आपको यही करना है और प्रैक्टिस भी यही करना है, और ये ऐसे नहीं आएगी, ये आएगी हैबिट डालनी पड़ेगी। हैबिट कैसे पड़ेगी, टेस्ट सीरीज सबसे बड़ा हथियार जो होता है। बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगर मैं सारा पढ़ लूँ तो क्या मुझे टेस्ट सीरीज देने की ज़रूरत होगी, नहीं। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए अगर आपको युद्ध कराना है और आपका अभ्यास ना कराया जाए, केवल ये बता दिया जाए, केवल ज्ञान दे दिया जाए कि हाँ ये विद्या पढ़ लो, ये विद्या पढ़ लो, धनुष चलाना सीख लो, तीर चलाना सीख लो, तलवार चलाना सीख लो, और आप अभ्यास ना करो तो क्या आप लड़ाई हो रही होगी तो लड़ पाओगे, नहीं लड़ पाओगे। एग्जैक्टली यहाँ पे भी है, आप विद्या जानना अलग है और विद्या पे अभ्यास करना एक अलग चीज़ है। टेस्ट सीरीज जितना ज़्यादा आप कर लोगे आपका माइंड सेटअप एकदम एग्जाम की तरह यहीं से बन जाएगा, तो जब आप एग्जाम में जाओगे तो कोई आपको नया नहीं दिखेगा। तो टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, वो टाइम मैनेजमेंट भी आपको सिखा देगा। और ये मैं बोल रहा हूँ ना, पहले आप हिंदी स्टार्ट करो, फिर आप जीएस करो, फिर आप ऐसे ही अगर आप 10 टेस्ट दे लेते हो तो आपका एग्जैक्टली बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाने वाली है और आप देखिएगा आपका स्कोर खुद ही इन्हेंस हो जाएगा। दूसरी बात, आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा, वो होगा ही, और किसी भी चीज़ में सफलता पाने के लिए कॉन्फिडेंस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो
मैं जैसे बात कर रहा हूँ अभी इसे मैं हटा दूँ, है ना, दोनों केसेस आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है और जो बच्चे बाहर हो जाते हैं वो क्या करते हैं। आपको बाहर नहीं होना है, आपको सिलेक्शन लेना है, है ना। तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको सबसे पहले हिंदी करना होगा, फिर आपको जीएस करना होगा, फिर आपको रीजनिंग करना होगा। दूसरी बात, कुछ एक वहाँ पे पॉइंट मैं और डिस्कस करूँगा, जैसे अभी लूवर में भी पेपर हुआ था तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आयोग ने गलत कर दिया था। ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं खासकर रीजनिंग सेक्शन की बात कर रहा हूँ, रीजनिंग सेक्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन गलत हों और ऐसा भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको एकदम नए मिले। जब आप इस पे प्रैक्टिस किए रहोगे तो ये आपको हैबिट बन जाएगी कि आप कैसे टाइम मैनेज करो। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताता हूँ, जब भी एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो मतलब ऐसा लगे कि आप इस क्वेश्चन को पढ़े नहीं हो, या आपको लगेगा नहीं। देखिए, एग्जाम में एक रूल आप फंडा बना के और जाओ, स्किपिंग रूल इन द सेंस, मैं स्किपिंग रूल आपको समझाता हूं क्या होता है। कोई भी क्वेश्चन उठाओ, अगर आपके द्वारा निर्धारित समय में 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड जो भी है, 30, 35, 40 सेकंड में अगर आपका क्वेश्चन लगता है तो लगाओ, नहीं लगता है तो तुरंत छोड़ दो। क्वेश्चन से इमोशनली अटैच मत हो। मैं ये थोड़ा एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, फिर मैं आता हूँ इसी पे, क्योंकि ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे यहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, इन्हें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं हमेशा चाहूँगा कि आप लोग ये गलतियाँ ना करो। इन गलतियों पे जैसे ही रोकथाम कर लोगे आप अपने आप सफल हो जाओगे। तो स्किपिंग रूल करना चाहिए, क्वेश्चन लगता है तो करो, नहीं लगता है छोड़ दो। आपका कितना भी चहेता क्वेश्चन हो, आप उसमें उसे 100 बार क्यों ना लगाए हो घर पे, और लेकिन फिर भी एग्जाम में 30-35 सेकंड में अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं लगता है तो एग्जैक्टली आप क्वेश्चन छोड़ दो। फिर जब आप, भाई बहुत समय मिलेगा, अगर आप पूरा क्वेश्चन ट्रेवल कर जाओगे ना, एकदम ये बात मान के चलिए, कोई भी बच्चा जो पेपर में पूरे के पूरे क्वेश्चन एक बार भी पढ़ लेता ना, उसका पेपर अपने आप से हो जाता है, क्योंकि फिर उसको ये शिकायत नहीं रहती कि मेरा पेपर छूट गया, है ना, छूट जाएगा। या हो सकता है कि आपका टाइम नहीं मैनेज होगा तो आप क्या करोगे, लास्ट में जब कॉपी बोलेंगे कि सबमिट कर दो तो आप जल्दी जल्दी गोला भरोगे, पेपर अलग है और आप गोला अलग भर रहे हो, फिर उससे क्या फ़ायदा होगा। आप बीबी पकड़ोगे, सीसी पकड़ोगे, लेकिन आपको तो मज़ा नहीं आएगा ना। आप जानोगे अपनी असलियत की वहाँ पे आपका तो पेपर गड़बड़ हो गया। तो वो गलती नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसा करके आते हैं, जैसा कि मैंने बहुत सारे बच्चों के मुँह से सुना हूँ, तो इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो स्किपिंग रूल आपको करना है, क्वेश्चन के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि दो केसेस हो रहे हैं, एक तो पेपर में क्वेश्चन गलत भी हो सकता है और दूसरा क्वेश्चन नया भी हो सकता है। क्वेश्चन नया होता है तो हो सकता है कि आपसे लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है अगर 30-35 सेकंड में, लेकिन अगर नहीं लगता है तो आप छोड़िए, दोबारा लगाएंगे तो कंफर्म लग जाएगा अगर आप उस पर अच्छा प्रैक्टिस करके गए हैं, कॉन्सेप्ट पकड़ क्लियर है तो। नहीं भी लगता है तो कोई इशू नहीं है। आप, अगर मैं कह रहा हूं 130 क्वेश्चन है, 130 क्वेश्चन में आप 110 क्वेश्चन सही कर लिए तो भी आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाना है। अभी मैं बताऊंगा क्या सेफ स्कोर रहेगा, कितना आप करने की प्रयास करो, ये अभी सब डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी बता रहा हूँ कि 130 क्वेश्चन में अगर 110 क्वेश्चन भी आप कर ले गए तो आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि आपको फिर कनिष्ठ सहायक की जॉब लेने से रोक ले जाए। तो 110 ही क्वेश्चन करना है तो आपके पास 20 क्वेश्चन छोड़ने के मौके मिले, 20 क्वेश्चन कहाँ छोड़ना है, वो छोड़ना है जो क्वेश्चन गलत हैं या जो क्वेश्चन नए हैं जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, उन क्वेश्चन को आपको छोड़ के चलना है। पहले से दिमाग में बिठा के चलो, ये एकदम माइंड मेकअप करके चलो, तो आप अगर 110 क्वेश्चन कर लेते हो तो एकदम सेफ रहोगे। हाँ, अब अगर क्वेश्चन नया है तो आप घूम के आओगे तो हो सकता है लग जाए, नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब क्वेश्चन गलत होता है वो सबसे गंदा केस होता है। गंदा केस क्यों होता है, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपको आसान दिख रहा होता है लेकिन मिसप्रिंट के वजह से या टाइपिंग में गलती हो जाती है, कुछ छूट जाता है, या हो सकता है जो पेपर सेट कर रहा है उसके दिमाग में कुछ और है, क्योंकि रीजनिंग सेक्शन में ये बहुत होता है, आपका दिमाग उस समय कैसे सोच रहा है, बाद में एकदम हमारे फैकल्टी लोग होते हैं तो सेट करते हैं, तो मैं जानता हूँ इस बात को बहुत अच्छे से कि जब पेपर सेट किया जाता है तो दिमाग कैसा वर्क करता है, कि आप क्या सोच के क्वेश्चन बना रहे होते हो और बाद में कहीं कुछ चीज़ें नहीं कंसिडर कर पाते हो तो वो गलत हो जाता है नए क्वेश्चन को फ्रेम करते समय में। तो ऐसा हो सकता है, पेपर जो सेट कर रहा हो उसकी वजह से भूल हुई हो, या उसने सारे क्वेश्चन सही करके दिए हों, जो टाइप कर रहा हो उससे गलती हो गई हो, बाद में प्रूफ रीडिंग में वो मौके में दिमाग में आया ना हो, या हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो, या कोई भी कारण हो सकता है जिससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन तो गलत है चाहे कारण कोई भी हो। अब जब क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको लगता है कि ये प्रश्न मैंने किया है, ये प्रश्न मुझसे होना चाहिए इस टाइप का, मैं लगा ले जाऊंगा। आप
जनरल कितना 35 सेकंड देना है, 30 सेकंड देना है, लेकिन आप कितना देते हो, आप कम से कम 50 सेकंड देते हो। और फिर नहीं लगता तो सबसे बड़ी बात, आपको लगता है यार ऐसा तो नहीं कि मेरी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, कहीं मैंने कुछ मिस कर दिया, तो आप उसे रीचेक करते हो। रीचेक करने में भी आपका उतना ही समय जाता है, फिर भी क्योंकि क्वेश्चन गलत है तो सॉल्यूशन तो आएगा नहीं, आपका ऑप्शन मैच करेगा नहीं, आप एक बार फिर चेक करते हो। तो जहाँ पे आपको एक क्वेश्चन का समय देना था वहाँ पे आप कितना समय दे रहे हो, तीन। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जहां पे आपको एक क्वेश्चन का समय दे रहा था वहां पे तीन क्वेश्चन के बराबर समय दे रहे हो। तो गलत कहां कर रहे हो, इस क्वेश्चन के साथ तो गलत कर ही रहे हो, बाकी बचे जो पोर्शन के क्वेश्चन हैं वो गलत कर रहे हो। मैं कह रहा हूं हो सकता है एक गलत क्वेश्चन में आप 2 मिनट लगा दियो, है ना, जो थोड़ा भी समझदार होगा वो 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगाएगा, और कुछ तो और बच्चे होते हैं 5-5 मिनट भी अपना वेस्ट कर देते हैं। प्रैक्टिकल बात मैं बोल रहा हूँ, बहुत रियलिटी बोल रहा हूँ, 5-5 मिनट भी बच्चे बर्बाद कर देते हैं क्वेश्चन के चक्कर में, इमोशनली अटैच होके, और वो क्वेश्चन अंत में क्या होता है, गलत होता है। गलत होगा तो आयोग उत्तर देगा, लोअर में दिया ना 10-10 क्वेश्चन सही कर दिया, आपको भी मौज करा देगा, क्या दिक्कत है वहाँ पे, उसकी चिंता नहीं करनी। लेकिन हमें एक क्वेश्चन के बदले 3 क्वेश्चन का समय नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ 2 मिनट भी अगर आप बचा लिए होते तो उस 2 मिनट में हिंदी के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन कर लिए होते और जीएस के कम 8 से 10 क्वेश्चन कर लिए होते। आगे बात समझ में, जहां पे आप एक क्वेश्चन गलत पे जा रहे हो वो भी नहीं हुआ, वहां पे जीएस में आप 10 का फायदा लेके चल रहे हो, और आप हिंदी में कितना लेके चल रहे हो, कम से कम 7-8 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन का फायदा लेके चल रहे हो। तो हमें इन सब चीजों पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। ये मैं थोड़ा एग्जाम पॉइंट से रिलेटेड चीजें बता दिया हूं। आता हूं मैं 20 दिन के स्टडी प्लान में, ये तो मैं डूज डोंट्स बता दिया आपको, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए एग्जाम हॉल में, है ना। पेपर से 5-6 दिन पहले मैं आपको ये सारी बातें और भी अच्छे से क्लियर करूंगा, क्या क्या एग्जैक्टली करके जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी होता है बच्चों के लिए। 3-4 दिन पहले मैं आऊँगा आपके सामने, सारी चीज़ें बताऊँगा कि आपका टेम्परामेंट क्या होना चाहिए, कैसे आपको पेपर सेट कर उठाना चाहिए, कैसे आपको पेपर सॉल्व करना चाहिए, कौन सा पोर्शन उठाना चाहिए, सब कुछ बहुत डिटेल में बताऊँगा। अभी यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं, अभी यहाँ पे हम 20 डे का स्टडी प्लान ही डिस्कस करते हैं और बेस्ट स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं कि किस रणनीति से चले कि हमारी सफलता एकदम निश्चित हो जाए, ठीक। तो पढ़ना आपको क्या है स्टडी प्लान में, 20 दिन है तो आपको सबसे पहले हिंदी, जीएस और फिर हिंदी, रीजनिंग, फिर जीएस। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पहले हिंदी पढ़ो फिर आप छुओ मत ही रीजनिंग, फिर आप जब हिंदी ख़त्म हो जाएगा भी नहीं, आप मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप डेली के 6 घंटे पढ़ रहे हो तो उसमें सबसे ज़्यादा जो समय है वो आप हिंदी को दो, उसके बाद प्रैक्टिस करो रीजनिंग, और उसके बाद जो समय बचे उसमें क्या करो, जीएस पढ़ो। जीएस को मैं थोड़ा पीछे लेके चल रहा हूँ, अभी जीएस के बारे में थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, अलग से डिस्कस कर लेता हूँ, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, जीएस की थोड़ा सा बात करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इसका जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा वेस्ट है, बहुत वास्ट है, इतना फैला हुआ है कि अगर आप इसे पढ़ लें तो 1 साल भी कम पड़ जाएंगे आपको पढ़ने के लिए। लेकिन क्या हमें इतना पढ़ना है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि क्वेश्चन कितने आने हैं? 40। अभी समझिएगा, क्योंकि ये एकदम पैटर्न नया है आयोग ने इस बार, पहले जब परीक्षा होती थी करंट सैक की तो अलग पैटर्न होता था, इस बार पैटर्न अलग है, तो उस हिसाब से वो कुछ भी थोड़ा कम ज़्यादा क्वेश्चन कर सकता है। लेकिन फिर भी जो हमारी पूरी टीम एनालाइज की है, लोअर के पेपर को देख के, मंडी परिषद के पेपर को देख के, वीडियो के पेपर को देख के, तो एक एनालिसिस निकल के आती है कि ऐसा क्वेश्चन देगा। और एग्जैक्टली इस बात में तो मैं बोलूँगा कि हमारी टीम बहुत माहिर है लोअर में भी। एग्जैक्टली आप हमारी टेस्ट सीरीज उठाएंगे जो हमने कराया था, टेस्ट सीरीज में जो पैटर्न एग्जैक्टली जिस नंबर पे जॉन सा जो क्वेश्चन रखे थे एग्जैक्टली वहीं पे वो आया था। तो इस मामले में तो टीम बहुत अच्छी है, एकदम निश्चिंत रहिए। तो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगा, सबसे ज़्यादा 7 से 8 इवन 9 भी हो सकता है क्वेश्चन का टॉलरेंस लेके चलेंगे, ये करंट सेक्शन होगा। ऐसे ही 6 से 7 क्वेश्चन आपका यूपी का सेक्शन होगा, आपका 4 से 5 पॉलिटी होगा, 4 से 5 हिस्ट्री होगा। ये आपके मेजर पोर्शन हैं जीएस के। मैं मैक्सिमम लेकर चलूँ तो 5, 5, 10 और 8, 7, 15 यानी कि 25 क्वेश्चन, 40 में से 25 क्वेश्चन आपके केवल 4 पोर्शन से कवर होंगे, जिसमें ये पोर्शन बहुत ही छोटा है। मैं बताऊंगा आप कहाँ से पढ़ लो, लास्ट टाइम में बहुत अच्छा सोर्स बता रहा हूँ, अभी एकदम निश्चिंत रहिए, एकदम एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। सबसे छोटा ये है, उसके बाद फिर करंट तो छोटा है ही है, करंट छोटा तब और हो जाता है जब आप पहले से पढ़ते रहते हो, और करंट तो आप पढ़ते ही रहते हो, है ना। तो उसके बाद ये है, फिर आपका पॉलिटी है, और फिर आपका क्या है, हिस्ट्री। तो अब जब आप जीएस पढ़ रहे हो ना, तो सबसे ज्यादा समय कहाँ पे देना है, इन दो पोर्शन पे देना है, उसके बाद किस में देना है, पॉलिटी पे देना है, उसके बाद किस में समय देना है, हिस्ट्री पे देना है। और अगर आप केवल ये 4 पोर्शन कवर कर लिए, केवल ये 4 पोर्शन,
तो आपके 25 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, एकदम 40 में 25 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। दूसरी बात, इन क्वेश्चन को करने का एक फायदा और है, ये ऐसे क्वेश्चन है जहां से जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है टीसीएस का वो क्या है, पारंपरिक है, कन्वेंशनल टाइप है। क्यों? क्योंकि अभी मैं जियोग्राफी की बात करूं, अभी मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, अभी मैं साइंस की बात करूं, तो ये सारे पोर्शन जो ऐसे हैं कि काफी बड़े भी हैं और इनका जो टीसीएस क्वेश्चन पूछता है वो करंट से रिलेटेड पूछता है। आपके इर्द गिर्द जो घटनाएं हो रही हैं, खनिज हुआ या कुछ भी हुआ, ज्योग्राफी का पोर्शन हुआ, साइंस में कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हुआ, तो इवन तो साइंस में सिंपल सा ये डीआरडीओ इसरो से क्वेश्चन दे देता है, इकोनॉमिक्स तो पूरा करंट हो ही जाता है, ये पूरा पोर्शन आपका इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन ही यहाँ से पारंपरिक हों लेकिन बाकी क्वेश्चन इर्द गिर्द हैं। और टीसीएस का एक पैटर्न भी रहा है, मैंने जब जीएस की स्ट्रेटेजी पोस्ट में बताया था तो वहाँ पे पहले बता दिया था, अभी मैं फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ। वो क्या कर रहा है कि ऐसे टाइप के पेपर में जो जीएस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ और साइंस वगैरह हुआ, इसमें क्या कर रहा है कि जो घटना हुई है ना उससे रिलेटेड जा रहा है और वहाँ से जीके फैक्ट उठा रहा है और फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी हाल ही में ये मूवी आई थी अक्षय कुमार वाली केसरी, तो केसरी वाली उसमें एक युद्ध की बात किया था, सालीगढ़ी का युद्ध की बात किया था, तो वो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि ये युद्ध कब हुआ। अब अगर आप कोई किताब उठा लोगे ना, आप लूसेंट ज्यादा आप लोग पढ़ते हो या कोई भी सोर्स उठा लोगे, तो ऐसे छोटे मोटे सोर्स में तो ये क्वेश्चन मिलने का ही नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिए कि पता नहीं कहां से पूछ लिए, बहुत टफ पूछ लिए। वो टफ नहीं पूछा, वो तो आपका करंट से रिलेटेड हिस्ट्री पूछा है, है ना। तो मैं बस इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि जो आपका जीएस है ना बाकी, वो आपका करंट में ही छुपा हुआ है, आपको उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। और तब तो एकदम नहीं जब आपके पास समय कितना बचाओ, केवल 20 दिन। 20 दिन में आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, आपको वही पढ़ना है जहाँ से आपके सबसे ज़्यादा होंगे। यूपी की मैं बात करूँ, करंट की मैं बात करूं, तो करंट तो जो पिछले 4-5 महीने का है वही पूछेगा, जो घटना घटी है वही पूछेगा, इससे बाहर तो कुछ पूछेगा नहीं, वो भी लिमिटेड है। मैं कह रहा हूं अगर आप वासी की ले आए हो, 6 महीने की घटना चक्र की आती है, पॉइंटर आती है, ये वो ले लो या घटना सार ले लो, पतली सी किताब होती है, मुश्किल से कितने पेज होंगे, 135-140 पेज होंगे। 135-140 पेज अगर डेली आप 10 पेज पढ़ोगे तो आप कम से कम 2 बार पढ़ जाओगे 20 दिन में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा आप करंट और यूपी पे ध्यान दो। यूपी में है कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे ब्रिज वगैरह पूछ लेता है या मेला वगैरह पूछ लेता है, या फिर उनसे ट्राइब्स के बारे में पूछ लेता है कि कहाँ पे ये जनजातियाँ पाई जाती हैं, या उसके थोड़ा हिस्ट्री से पूछ लेता है, तो यूपी भी बहुत ही लिमिटेड है, या इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछ लेता है वो भी। तो आप इतने दिन में 20 दिन में आप कम से कम 4 बार यूपी पढ़ सकते हो और फिर आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो सबसे ज़्यादा आप करंट और यूपी पे ध्यान दो। फिर मैं क्या बोलूँगा, पॉलिटी पढ़ो। पॉलिटी क्यों पढ़ो, क्योंकि पॉलिटी छोटा है, ऐसा नहीं है हम, मैं सिविल सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, सिविल सर्विसेज की अलग चीज़ है, वहाँ पे तो पॉलिटी बहुत ज़्यादा वेस्ट है, लेकिन जो आपका पेपर है जो 12th लेवल में है उसके लिए पॉलिटी बहुत ही सीमित है। और अगर आप लोग जो भी सोर्स पढ़ रहे हो आप उसी को फॉलो करो। मैं जान रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चे लूसेंट ही पढ़ते हैं, तो मैं बोलूँगा ये बात भी कि पॉलिटी के लिए लूसेंट मोर देन सफिशियंट है। मुश्किल से 35-40 पेज में पूरी पॉलिटी उसने कवर किया है, आप उसके शुरुआत के कम से कम 25 पेज मैं ये बोलूँगा बहुत अच्छे से 3-4 बार पढ़ लीजिए। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पॉलिटी पढ़ते समय एक बात को ध्यान रखिए, 1 से 100 तक का ये जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, ये आपको अच्छे से थोड़ा बहुत आने चाहिए। और इनमें भी खासकर फंडामेंटल राइट हुए, इनके बारे में फंडामेंटल ड्यूटीज़ में DPSP हुआ, सिटीजनशिप हुआ, है ना, नागरिकता वगैरह, इन सब पोर्शन को थोड़ा आप अच्छे से करके जाओ। इसके बाद फिर थोड़ा राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट हो जाता है, गवर्नर हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, मंत्रिपरिषद वगैरह, ठीक है, और फिर आपका जुडिशरी और पंचायत। पढ़ने का जो आपका क्रम होना चाहिए, सबसे ज़्यादा आप करंट पे ध्यान दो, फिर यूपी पे ध्यान दो, फिर पॉलिटी पे ध्यान दो, फिर हिस्ट्री पे ध्यान दो, है ना। सबसे कम हिस्ट्री को पढ़ना है, किस में, जीएस सेक्शन में 40 में, है ना। सबसे ज़्यादा समय तो हमें हिंदी में देना है, उसके बाद रीजनिंग को प्रैक्टिस करना है, उसके बाद जीएस पढ़ना है, और जीएस में भी सबसे ज़्यादा करंट, करंट के बाद यूपी, यूपी के बाद पॉलिटी, पॉलिटी के बाद हिस्ट्री। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि आप को यही पढ़ना है। और जब आपको लगे ना बीच में मोटिवेशन खो रहा है, एकदम खो रहा है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर वो चैनल ढूंढिए, वीडियो ढूंढिए और फिर इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, सबसे अच्छा मोटिवेशन यही मिलेगा, मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ आपको, है ना, बहुत बहुत काम की चीज़ है ये। तो आप ऐसे पढ़ना है, हिंदी हम देख लें, हिंदी में कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, जो भी सिलेबस में दे दिया है आप पूरा सिलेबस कवर करो,
बहुत अच्छे से कवर करो, पूरा हिंदी के सारे टॉपिक को कवर करना है, फिर आपको रीजनिंग प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग प्रैक्टिस के लिए आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा लो, प्रैक्टिस सेट के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में ही लिंक लगवा दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसी में लिंक लगी रहेगी, आप यहाँ से प्रैक्टिस सेट डाउनलोड कर लो। ये प्रैक्टिस सेट एकदम जो करंट पैटर्न चल रहा है उसी पे सारे क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, सारे नए क्वेश्चन बनाए गए हैं, सब कुछ वही है। एकदम बहुत अच्छे से आप करोगे तो ऐसा लगेगा कि एग्जाम का ही क्वेश्चन हमें एकदम वैसा प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो आप उसे कर लोगे तो मोर देन सफिशियंट है ना। कम से कम नहीं तो 1000 क्वेश्चन होंगे, आप उसमें जितना भी सॉल्व कर लो उतना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। उसके बाद हिंदी के लिए तो हम प्रैक्टिस सेट आपको 700-800 क्वेश्चन का देंगे ही, उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लोगे, आपके रमन सर होंगे वो आपका पूरा डिटेल सोल्यूशन भी उसका करवा देंगे, देख लोगे तो बहुत ज़्यादा 5-6 घंटा 20 दिन में 24 दिन 48 480 घंटे में 5-6 घंटे हिंदी के लिए निकालने हैं, वीडियो के रूप में 5-6 घंटे ही आपको रीजनिंग के लिए निकालने हैं, वो सब कुछ कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो ये आप 20 दिन में, मैं फिर से स्टडी प्लान बोल रहा हूँ, यहाँ पे बाकी एग्जाम से थोड़ा अलग है। बाकी एग्जाम में मैं ये बोलता था कि हाँ भाई शुरुआत के 2 दिन आप केवल ये पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो शुरुआत के, फिर उसके बाद आप हिंदी पढ़ो दो दिन आप मॉडर्न को दो या आप हिस्ट्री को दो, हर एग्जाम का अलग अलग पैटर्न होता है। यहाँ पे मैं बोलूँगा क्योंकि अभी आपके पास 20 दिन हैं और 20 दिन बहुत होते हैं, मोर देन सफिशियंट होते हैं रिवीजन करने को, पढ़ने को नहीं रिवीजन करने को। रिवीजन का क्या होना चाहिए, आप टारगेट करो भाई अगर आप 5-6 घंटे पढ़ो तो थोड़ा सा और बूस्ट करो क्योंकि आपको जॉब लेनी है। अब ये मान के चलो कि ये आपका अंतिम चांस है, क्यों, क्योंकि जितनी जल्दी जॉब ले लोगे उतनी ही जल्दी आपकी ज़िंदगी सुधरने वाली है, ठीक है ना। तो 20 दिन में हमें क्या करना है, मैं तो ये बोलूँगा कि आप कम से कम 7-8 घंटे अच्छे से पढ़ो, 7-8 घंटे से अच्छे से पढ़ो। बच्चे ऐसे भी हैं 12-12 घंटे पढ़ने ऐसा नहीं है, और मैं एक बात आपको बता दूँ, एकदम अंडर एस्टिमेट मत करिए इस एग्जाम को कि 12th लेवल का एग्जाम है, बहुत छोटा एग्जाम है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं ना वो भी ये फॉर्म भरते हैं, है ना, क्योंकि आजकल कोई भी जॉब छोटी और बड़ी नहीं है, जॉब जॉब है। हर बंदा सोच रहा है कि पहले एक जॉब ले लें फिर आईएएस पीसीएस बनते रहेंगे या ये करते रहेंगे, वो अपने सारे सपने सजो के रखता है लेकिन वो एक जॉब लेने के चक्कर में है। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप एक जॉब ले लो, और अगर आप फ्रेशर हो तो और भी ज़्यादा मेहनत करो, क्यों, क्योंकि आपको कॉम्पिटिशन और ज़्यादा फेस करना है और आप एकदम नए हो, है ना, तो आपका समय कम से कम 12-12 घंटे होने चाहिए पढ़ने के लिए, 10 घंटे 12 घंटे होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं जान रहा हूँ कि इतना पोटेंशियल होता नहीं है, इतना रीच होता नहीं कि पर डे के हिसाब से 10 घंटा पढ़े ले, है ना, लेकिन फिर भी अगर हम पूरा 20 दिन का एवरेज निकालें तो 7-8 घंटा होना चाहिए, और इस 7-8 घंटे में मोर देन 3+ घंटे आपको हिंदी में देने हैं, कम से कम नहीं तो 1.5 या 2 घंटे भी मांग के चलो आप रीजनिंग में दो, वो भी केवल प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ पे समय कम करना है तो जीएस में नहीं हिंदी में बढ़ा लेना, और उसके बाद जो रेस्ट समय मिल रहा है 2 घंटे लगभग, है ना, ये आप कहाँ पे करो, जीएस में करो। और इस 2 घंटे में भी जीएस में फिर से वही बात, सबसे पहले करेंट, फिर यूपी, फिर जियोग्राफी, सॉरी फिर पॉलिटी और फिर हिस्ट्री। अब इनके बाद जो समय बचता है, अभी देखो तो मैं पूरा 4, 2, 6, 1, 7, 3, 2, 5 और 1, 6, 6.5 घंटे हुए लेकिन फिर भी मैं 7-8 घंटे बोल रहा हूँ, तो अभी 1.5 घंटे जो बच रहे ना उसके लिए आपकी ये टॉपिक है। इस टॉपिक में मैं साइंस की थोड़ी बात करूंगा, साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 40 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा चांस नहीं बनता कि वो क्वेश्चन देगा, बहुत क्वेश्चन दे भी देगा तो 3 से 4 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन ही मान के चलिए, और उस 2 से 3 क्वेश्चन में भी मैं साइंस को थोड़ा अलग यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थोड़ा न्यूट्रिशन, दूसरा डिजीज, इसी में अगर एनवायरमेंट, तीसरा में एनवायरमेंट प्लस एग्रीकल्चर, इसी में मैं बोल दे रहा हूँ, ये साइंस के अंदर ही मैं डाल दिया हूँ। तो ये इन टॉपिक पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, यहीं से पूछेगा, है ना, केमिस्ट्री लिस्ट प्रायोरिटी है और फिजिक्स उससे भी कम प्रायोरिटी है कि पूछे। साइंस से क्वेश्चन आएगा तो बायो से क्वेश्चन आएगा, बायो से कहाँ आएगा तो ह्यूमन से आएगा, वो प्लांट से वो एनिमल से नहीं पूछने जा रहा है, वो ह्यूमन से ही पूछेगा, ह्यूमन से रिलेटेड एनवायरमेंट एग्रीकल्चर, ह्यूमन से रिलेटेड डिजीज और ह्यूमन से रिलेटेड न्यूट्रिशन, यहीं से वो क्वेश्चन पूछेगा अगर पूछेगा तो। ये टॉपिक लास्ट टाइम में पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, वो पीडीएफ भी पढ़ के चले जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से इतनी टॉपिक कवर हो जाएगी, परेशान मत होइए। साइंस में बहुत कम ध्यान देना है, फिर इनके बाद अगर ध्यान देना तो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पे ध्यान एकदम मत देना, ये सब्जेक्ट आपके पढ़ने के लिए नहीं है, ये पूरा सब्जेक्ट आपका कहाँ है, करंट में इंक्लूडेड है, तो इकोनॉमिक्स पे ध्यान नहीं देना, ये आपकी
कि थोड़ा जीएस की स्ट्रेटजी हुई, हिंदी की डिस्कस कर लिए। रीजनिंग में फिर से मैं बोलूंगा प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करो, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे कहाँ, देखिए टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज इवन हमारी टेस्ट सीरीज खुद चल रही है, ठीक है ना, बच्चे ऑलरेडी उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनकी रैंक देखिए तो वो 70-75% इवन कुछ बच्चे 90% तक स्कोर कर रहे हैं। आप, मैं रैंक एफबी पे भी शेयर किया हूँ, टेलीग्राम पे भी शेयर किया हूँ, जाके देखिए कि किन बच्चों से आपका कंपटीशन होने जा रहा है, बहुत ही तेज़ बच्चे हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग खुद ही देखते हैं जब पेपर सेट करते हैं तो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है, कुछ क्वेश्चन नया फ्रेम करते हैं जो चैलेंजिंग होते हैं, जैसे सोचते हैं कि ये बच्चे नहीं लगा पाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन भी बच्चे सॉल्व करते हैं, फिर लगता है नहीं यार कंपटीशन लेवल बहुत अच्छा है, तो आप करो, बहुत अच्छे बच्चे हैं उसमें, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टोटल 10 टेस्ट हम लोग इसमें पूरा कर रहे हैं, 10 टेस्ट में सबसे अच्छी बात है केवल 10 टेस्ट ये मात्र नहीं है, अगर आप ये 10 टेस्ट पूरा सॉल्व कर लोगे और कंप्लीट उसका व्याख्या देख लोगे, व्याख्या को हम वीडियो के थ्रू भी प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, और आपको पीडीएफ में भी पूरा कंप्लीट व्याख्या दे रहे हैं कि आप एक बार पेपर दो, पेपर देने के बाद उसे एनालाइज करो, खुद के स्कोर को अपने टॉपर से कंपेयर करो, बाकी बच्चों से कंपेयर करो, और फिर उसकी व्याख्या देखो, व्याख्या नहीं पढ़ने में समझ में आता है तो आप फिर वीडियो भी देख लो, उसकी पूरा रीजनिंग है कि क्वेश्चन को सॉल्व करवा के दे दिया गया है वहाँ पे, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो टेस्ट सीरीज तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है आपके लिए, टेस्ट सीरीज मैं बोलूँगा एकदम आँख बंद करके सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व करो। मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए एक बात मैं एकदम नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी ही टेस्ट सीरीज लो, आप मार्केट में जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आप जाके वो टेस्ट सीरीज लो, आपको बस समझ में आना चाहिए कि टेस्ट सीरीज अच्छी होनी चाहिए, आपके एकदम रियल एग्जाम को फॉलो करनी चाहिए, एकदम उसके क्वेश्चन न्यूली फ्रेम्ड होने चाहिए, जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है वो होना चाहिए, उसके सॉल्यूशन बहुत अच्छे होने चाहिए, सब कुछ, और सबसे बड़ी बात एक्यूरेसी होनी चाहिए, ये नहीं कि 10-10, 12-12 क्वेश्चन भी गलत हो। तो हालांकि ये सारी क्वालिटी हम लोग के टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छे से मिल जाएगी, उसमें जो बच्चे ऑलरेडी परचेज किए हुए हैं आप उनसे रेफरेंस ले सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो, वो आपको बता ही देंगे, बहुत अच्छे से बता देंगे, फिर भी एक बात तो गारंटी दे सकते हैं कि ना इससे कम में हमसे अच्छा कोई क्वालिटी दे रहा है ना कोई दे पाएगा, तो वो एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन आप जो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप किसकी टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, इंपॉर्टेंट ये है आप क्वालिटेटिव टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, और ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम 10 टेस्ट तो आप सॉल्व करो, है ना, और बहुत डिसिप्लिनड वे में, उसे ऑनलाइन भी दो ऑफलाइन भी दो, तो एग्जैक्टली हम लोग ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं बता भी दूँ 199 रुपये में आपको 10 टेस्ट मिलेंगे, 10 टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा, इसकी सारी पीडीएफ मिलेगी, पूरे के 10 के 10 टेस्ट की क्वेश्चन की पीडीएफ अलग और सोल्यूशन की पीडीएफ अलग, और क्वेश्चन और सोल्यूशन मतलब तीन तीन अलग, एक टेस्ट के तीन तीन पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, इसके साथ आपको सारे स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूँ शायद आपको दिख ना रहा हो, है ना। हाँ, सबसे पहले तो आपको 10 टेस्ट मिलेंगे, 10 टेस्ट के बाद इनका वीडियो सोल्यूशन मिलेगा पूरे का 10 टेस्ट का, उसके बाद इनकी सारी की पीडीएफ मिलेगी, क्वेश्चन प्लस सोल्यूशन प्लस क्वेश्चन प्लस सोल्यूशन एक साथ, है ना, ये मिल जाएगा आपको पीडीएफ, ताकि आप ऑफलाइन भी प्रैक्टिस कर लो, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन नहीं करते हैं, क्योंकि ये टेस्ट ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी आप दे सकते हो, ठीक है ना, घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑनलाइन भी दे सकते हो, तो ये सब कुछ अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके बाद आपको स्टडी नोट्स जो इंपॉर्टेंट है, जैसे इस स्टडी नोट्स में मैं आपको बता दूं कि इसमें करीबन आपको 600 क्या वो 800 क्वेश्चन के लगभग हिंदी के दे दिए जाएंगे प्रैक्टिस सेट, करीबन 1000 क्वेश्चन के रीजनिंग के न्यूली पैटर्न पे एकदम डिजाइन है रीजनिंग का दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ हिंदी के नोट्स, जैसे पत्र लेखन का हुआ, बच्चों को जल्दी नहीं मिलता, हमारी पूरी टीम रमन सर ने बहुत अच्छा उसे करके दिया है, पत्र लेखन वाले जैसे टॉपिक हुई या आपके और भी टॉपिक है वो सब कुछ कवर कर दिए हैं उसमें, वो आप पूरा स्टडी नोट्स एज अ पीडीएफ सब कुछ आपको ग्रुप पे ही मिल जाएगा जब ये आप टेस्ट ज्वाइन कर लेंगे। टेस्ट केवल 199 का है तो बहुत ज़्यादा है नहीं, इतना मेरे ख्याल से बहुत ही मिनिमम प्राइस में रखा है कि आपको अवेलेबल हो सके, और ये भी प्राइस ना रखते अगर हमारा ये सर्वर चार्ज और कॉस्टिंग ले जाती वो एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन फिर भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट सॉल्व करो, कहीं से भी सॉल्व करो, 20 दिन में अगर आप 10 टेस्ट कर लिए और सब कुछ कर लिए तो आपका स्कोर इन्हेंस होने वाला है। दूसरी बात, कॉम्पिटिशन में भी आप जब बैठोगे तो आप रियल एग्जाम फेस करोगे, आप देखोगे बच्चे कैसा परफॉर्म करेंगे, उसका भी फायदा आपको मिलने वाला है। तो अगर आप जो भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है, ठीक है ना, टेलीग्राम की भी लिंक लगी हुई है, फेसबुक की, वहाँ से आप जुड़ सकते हो ताकि आपको मैक्सिमम चीज़ें अवेलेबल होती रहे, हमारी टीम तो आपके साथ जुड़ी ही रहेगी, आपको मैक्सिमम जो भी अवेलेबल करा सकती है, आपकी सफलता में हमारा जितना भी योगदान हो सकता है, पूरी टीम कोशिश करती है मिनिमम कॉस्ट पे कि
जितना हो सके जितने बच्चों का हो सकता है फायदा उतना करा दिया जाए, जितना अवेलेबल कराया जाए उतना करा देते हैं, ठीक है ना। तो आप वहाँ से सब कुछ अवेलेबल कर सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, आप फेसबुक्स में जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हो, नंबर भी दिए हुए सारे। या आपको कभी पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी को सोल्यूशन नहीं है, तो आप किसी भी फैकल्टी से या किसी भी एडमिन से आप उससे डायरेक्ट पूछ सकते हो, कोई नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो ये तो हमारे 20 दिन का पूरा स्टडी प्लान था। डेली हमें 7-8 घंटे पढ़ने हैं, 7-8 घंटे में सबसे ज़्यादा समय हिंदी को देना है। हिंदी के बाद हमें रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग के प्रैक्टिस करने के बाद क्या करना है, जीएस का देना है। और ये जो मैं 7-8 घंटे बताया ना, इसमें आप या तो इसमें इंक्लूडेड या इससे बाहर 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा भाई आपका जो टेस्ट सीरीज हुआ ना उसके लिए आप टाइम निकालो, फिर आपका ऑन एवरेज 10 घंटे की पढ़ाई हो गई। लेकिन ये आप उसमें मान के मत चलो, ठीक है ना। फिर भी उसके थोड़ा ज़्यादा कम, थोड़ा कम भी कर सकते हो, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर करो। टेस्ट सीरीज आप कोई भी मॉक प्रैक्टिस सेट लेके आओ, कुछ भी करो, कम से कम डेली का 2 घंटा आपके 20 दिन में। भाई अगर 20 दिन में 10 टेस्ट सॉल्व किए तो कितना गया, 2 से 2.5 घंटे। अगर 20 दिन में हम उसे डिवाइड करेंगे तो पर डे कितना गया, 1 ही घंटा तो गया। तो ऑन एवरेज 1 से 1.5 घंटा देना है, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा आपको यही 1-1.5 घंटा देने वाला है। प्लस आप जो पढ़ते आए हो आप वही पढ़ते रहो, खासकर जीएस सेक्शन की मैं बात करूंगा। जीएस सेक्शन में यूपी और करंट इन चीज़ों को बहुत अच्छे से करो। कुछ बच्चे होते हैं जो करंट को लास्ट 2-3 दिन के लिए रख देते हैं, नहीं आपके पास 20 दिन है, बहुत पर्याप्त समय है। कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर करंट कहाँ से पढ़ा जाए, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ, इस बात को मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। देखिए पहले ये जो पेपर हो रहा है आपका करंट सहायक का, ये 3 नवंबर को प्रस्तावित थे। तो जब कोई आयोग जो होता है ना 3 नवंबर को डेट बोल दिया कि हमें पेपर कराना है, तो उसके दिमाग में ये नहीं होता कि हम पोस्टपोन करेंगे, है ना। उसे एग्जैक्टली उसे भी नहीं पता होता है कि किस कारण हमारा एग्जाम पोस्टपोन करना पड़े। उसके दिमाग में होता है नहीं, हमें 3 नवंबर को पेपर करा लेना है। तो वो जो तैयारी 3 नवंबर सोच के ही करेगी, तो उसका जो पेपर बनना है वो कम से कम 1 महीने पहले बन जाता है। तो करंट ऐसा नहीं है कि 24 दिसंबर को आपका पेपर है तो आप पूरा दिसंबर को भी पढ़ो, करंट नवंबर का भी करंट पढ़ो, नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। पेपर अगर आपको 3 नवंबर को प्रस्तावित था, तो मान के चलिए कि आपका ना तो नवंबर का कोई खबर आने वाला है, ना दिसंबर का खबर आने वाला है, इवन आपका अक्टूबर 15 के बाद भी कोई खबर नहीं आने वाली। क्योंकि ऑनलाइन में तो लास्ट टाइम में भी क्वेश्चन अपडेट कर देते हैं, ऑफलाइन एक बड़ा प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है, अभी जैसे हम लोग को मालूम होता है बैकएंड पे चीज़ें क्या होती हैं, पेपर ऐसे आसानी से नहीं होता। सबसे पहले तो आयोग बोलता है किसी वेंडर को, जैसे TCS वेंडर से बोलता है कि आपको पेपर कंडक्ट कराना है। पेपर कंडक्ट कराना है तो आपको क्वेश्चन सेट करने होंगे, क्वेश्चन का पैटर्न बताता है 130 क्वेश्चन है। अब वो वेंडर कम से कम नहीं तो अब उससे जितने भी करने हैं, मैं कह रहा हूँ 4 सेट बनाए, तो 4 सेट के लिए 130 का गुणे 4 कर लो तो 520 क्वेश्चन हुए, उसे सेट करने। प्लस उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पेपर 4 सेट एक्स्ट्रा बनाता है, तो उसे कुल मिला के 1000 क्वेश्चन सेट करने हैं। 1000 क्वेश्चन इतना आसानी से नहीं सेट होता है, 1000 क्वेश्चन सेट करने के लिए, क्योंकि 4 बैकअप रहता है और 4 मेन पेपर जो आपको होता है, 1000 क्वेश्चन इतना आसानी टाइम टेकिंग होता है। फिर जो वो क्वेश्चन सेट करेगा, फिर उसे टाइप करवाएगा, टाइप करने के बाद प्रूफ रीड होगा, प्रूफ रीड करने के बाद फिर से उसमें जो त्रुटियां होंगी वो सुधारने के लिए फिर से जाएंगी, फिर वो सुधर के आएगा, फिर वो प्रिंट होगा, प्रिंट होने के बाद फिर वो कलेक्ट होगा एक जगह, ताकि वो अलग अलग सेंटर पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके लास्ट टाइम पे। तो ये सब ऐसे 4-5 दिन का गेम नहीं है, इसमें महीनों समय जाता है। तो अगर 3 नवंबर को प्रस्तावित था, तो मान के चलिए कि पूरा अक्टूबर मंथ भी आपका बेकार हुआ। तो करंट आपको मैं ये बोलूँगा फिर भी 15 अक्टूबर के उधर का ही पढ़िएगा, इधर का कोई मतलब नहीं रहेगा आपको करंट पढ़ने का। बहुत सारे बच्चे होते हैं इस बात को समझ नहीं पाते हैं, और वो अननेसेसरी अक्टूबर भी पढ़े बहाए हुए हैं, नवंबर भी पढ़े हैं, दिसंबर भी पढ़ डाले, 24 को है वो पता लगे 10 दिसंबर तक की खबर पढ़ रहे हैं। कोई मतलब नहीं भाई, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, आपके पास 20 दिन बचे हैं, आप स्मार्ट बनो, जितना स्मार्ट पढ़ लोगे उतना। तो आपको कहाँ पढ़ना है मैं बता रहा हूँ, 15 अक्टूबर से पीछे चलिए, है ना, सितंबर, है ना, अगस्त, फिर जुलाई और जून में 15 तारीख, 15 जून से 15 अक्टूबर, यही 5 महीने का करंट पड़ेगा। इसी में से आना है, जिसमें जुलाई अगस्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जुलाई अगस्त महीने की कोई भी खबर आपसे छूटनी नहीं चाहिए, अगर आप करंट रियलिटी में पढ़ना चाह रहे हैं।
पढ़ने का सोर्स कुछ भी हो सकता है, घटनासार से कोई पढ़ रहा है घटनासार से पढ़ो, घटना चक्र से कोई पढ़ रहा है घटना चक्र से पढ़ो। इवन अभी हम लोग पूरे नवंबर मंथ का करीबन 500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगी आप सभी के लिए। वो आप पूरा पीडीएफ भी उसका और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करा देंगे 4 से 5 दिन में। तो आप वो 500 क्वेश्चन देख लोगे तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। हालांकि नवंबर मंथ का आपका जरूरी पढ़ना नहीं है तो वो आपके बहुत ज़्यादा काम की नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी फर्दर एग्जाम में, आगे के एग्जाम में वो काम आएगी, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया कि ये प्रोग्राम आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं, तो आप जानेंगे तो आप आगे एग्जाम में ज़्यादा होगा। लेकिन फिर भी आप 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक ही करंट पढ़िए, आप घटनासार से पढ़िए, घटना चक्र के पॉइंटर से पढ़िए, जो भी क्रॉनिकल पतली वाली है उससे पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, जिससे आप पढ़ते आए हैं उसी से पढ़िए। मैं ये नहीं बोलूँगा किसी ने ऐसा उसे पढ़िए, करंट लगभग लमसम सब में सेम होता है, 19-20 होता है, कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। यूपी के लिए मैंने बोला था सोर्स आपको बताने के लिए, यूपी के लिए युक्ति की बुक होती है, पतली सी किताब आती है, बहुत अच्छा वो लोग कंटेंट दे रहे हैं, टॉपिक दे रहे हैं, उसके पीछे क्वेश्चन दे रहे हैं, इमेज के साथ दे रहे हैं, तो अच्छी है, बहुत अच्छी किताब है, आप उसे पढ़ लेंगे, क्वेश्चन से बाहर भी नहीं आने वाला, लास्ट में वो क्वेश्चन भी कंपाइल करके दिए हैं, वहाँ से हो जाएगा। जिनको अवेलेबल हो पाती है अवेलेबल मतलब खरीद लीजिएगा, नहीं होता है तो मैं उसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही लगा दूंगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, वहाँ से आप युक्ति के बुक की पीडीएफ ले सकते हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर लेंगे आप। लेकिन जो भी पढ़िएगा ना प्रिंट निकाल के पढ़ा करिए, ऐसे बहुत सारे बच्चों का होता है ना फ़ोन में लैपटॉप में पढ़ने नहीं, ये सब पढ़ने वाली आदत छोड़ दीजिए, वॉलेटाइल होती है चीज़ें, आप इधर पढ़ोगे उधर भूल जाओगे, है ना, और फिर आपकी आंखों को भी नुकसान करेगा। उससे अच्छा कोई भी हार्ड कॉपी निकलवा के तब पढ़िए, ऐसी हैबिट अच्छी होती है, वो थोड़ा परमानेंट होता है, ये सब मैं बाद में डिस्कस करूँगा या फिर डिस्कस नहीं करूँगा। तो करंट आपको ये 4 से 5 महीने की पढ़नी है, यूपी के लिए युक्ति पढ़नी है, मैं जीएस की बात कर रहा हूँ, पॉलिटी के लिए आपको लूसेंट पढ़ लेना है, हिस्ट्री के लिए भी लूसेंट ही पढ़ लेना है, मोर देन सफिशियंट है इसके लिए। रीजनिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए मैं बोलूँगा बहुत भटकने की जरूरत नहीं है, जो हमने 1000 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको दे दिया है वो मोर देन सफिशियंट है, उसे कोशिश करिए 2 बार लगा जाइए, नहीं होता तो 1 बार भी लगा दीजिए, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। इवन लोअर में भी हमारे सीट का एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था, ये बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपकी किस्मत और हमारी किस्मत फिर से क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो आप वही से लगा लीजिए, मोर देन सफिशियंट है। हिंदी के लिए रमन सर आपको मैक्सिमम चीज़ अवेलेबल करा देंगे, और फिर ये 700-800 क्वेश्चन की हिंदी की पीडीएफ ही मोर देन सफिशियंट है, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, तो आपको बहुत ज़्यादा टकने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बोलूंगा, लास्ट टाइम में आपके अंदर सबसे गंदी आदत क्या होती है ना, आप दिन में एक बार तो भटक ही जाते हो, लाओ देख लो ये क्या कह रहे हैं, लाओ देख लो ये क्या कह रहे हैं, एकदम आदत छोड़ दीजिए। आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, जो आपको ऑथेंटिक लगता है केवल आप उन्हें फॉलो करिए, चीज़ों को लिमिट करिए, कंटेक्स्ट करिए और अपनी तैयारी करिए, तो हमारी पूरी टीम आपकी सफलता के मार्ग में और सफल बनाने के लिए पूरी प्रयास करती रहेगी। आप भी अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा के पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मन लगा के पढ़िए और सफलता लीजिए। धन्यवाद।